नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महासंग्राम 2024 में आपका बहुत स्वागत है। ना तारीख तय हुई है, ना उम्मीदवार सामने आए हैं, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार है। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी से भरोसे का मसाला भर चुकी हैं, जिसकी जल्द ही होम डिलीवरी शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर इंसान एक वोटर है। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अजय सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। अपने अभियान के तहत बीजेपी पार्टी के उन नाराज नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है जो नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान, पार्टी ने अभियान का उद्घाटन किया और बोहनी हो गई। बोहनी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अजय सिंह यादव के रूप में हुई। वहीं अजय सिंह, जो कमलनाथ के करीबी कहे जाते हैं, सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए बीजेपी ने महाअभियान की शुरुआत की है। महाअभियान विरोधी पार्टियों के नाराज नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने की। पार्टी ने अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल से मुलाकात हुई, बीडी शर्मा से हाथ मिलाया, गले लगे और बीडी शर्मा ने पार्टी का गमछा पहना दिया। बस क्या था, अजय सिंह भगवाधारी हो गए। पार्टी के झंडे का रंग बदलते ही अजय सिंह की जुबान बदली और मोदी मोदी का जाप करने लगे। जिस तरह से आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की देश के प्रति समर्पण की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध किया गया, समस्त देशवासियों की भावनाओं को आहत किया। ऐसी पार्टी के साथ देश का भविष्य नहीं हो सकता है। ये वही अजय सिंह है जिन्हें कमलनाथ का करीबी माना जाता है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो खरगपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर आए। हाल ही में कमलनाथ से प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल पूछा गया। कमलनाथ ने कहा, जो जहां चाहे जा सकता है। पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही है, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे, जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामे? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। एमपी में बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बीजेपी उन नेताओं को पार्टी में शामिल कराएगी जो अपनी पार्टी से नाराज हैं। इस दौरान बीजेपी उन नेताओं का भी मनुहार कर घर वापसी करवाएगी जिन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी की दरकती दीवार के बीच वो विरोधी नेता इसे अवसरवाद बता रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम लोकसभा चुनाव 2024 में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत शानदार हुई है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को उम्मीद है आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम दमदार होगा। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है। सूबे की सत्ता हथियाने की आज धूमिल होने के बाद केंद्रीय चुनाव में अपनी साख बचाने की। शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो बीजेपी ने अपना ये मेगा प्लान सेट कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी का मेगा लोकसभा प्लान क्या है। तो देखिए, बीजेपी का ये मेगा लोकसभा प्लान, एमपी बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है, जिसमें कि रूठों को मनाना और साथ ही जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं
उनको वापस से लेकर आना है। कांग्रेस के नाराज नेताओं पर इनका खास फोकस नजर आ रहा है। हाल ही में नेता अजय भी ज्वाइन कर चुके हैं। नाराज युवा वोटर्स पर भी बीजेपी का पूरा ध्यान है। युवा वोटर्स के साथ साथ बीजेपी की नजर सोशल मीडिया पर भी रहती है। इसके अलावा बीजेपी छोड़ने वालों की घर वापसी होगी। जो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टी में जा चुके हैं उनकी घर वापसी होगी। 28 फरवरी तक बीजेपी यह अभियान चलाएगी और 28 फरवरी तक लगातार नेताओं के आने का सिलसिला देखा जाएगा। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी ज्वाइनिंग टोली प्रमुख है। जिन लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराया जा रहा है उस टोली के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा है। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख होने के साथ साथ तमाम जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। तो ये पूरा जो मसला है कुल मिलाकर 2024 के लिए है और 2024 के मद्देनजर बीजेपी ये प्लान बना रही है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, रूठों को मनाना और जो घर छोड़कर जा चुके हैं उन्हें घर वापसी कराना, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने उठा ली है। क्या जानकारी आपके पास? ये अभियान कितना महत्वपूर्ण होने वाला है 24 के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी दल से कोई नेता किसी भी कारणवश या किसी भी नाराजगीवश जब छोड़कर जाता है और विरोधी दल में जाकर शामिल हो जाता है, विरोधी दल में मिल जाता है, तो इससे निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होता है। और जिस तरह से हाल फिलहाल देखा गया है कि लोकसभा चुनाव के पहले लगातार कांग्रेस का दामन छोड़कर कई नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक बात साबित होती है कि बीजेपी जो है वो लगातार एक अभियान के तौर पर अपना जो कुनबा है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी का ये कहना है कि हम लोग राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने एक मजबूत नेतृत्व देश को देने का काम किया है। देश ने आर्थिक तौर पर तरक्की की है, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो तरक्की की है, लोगों को रोजगार दिया है, राष्ट्रवादी नीतियों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और यही सारी वजह है कि कांग्रेस से छोड़ छोड़कर लोग बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज बन चुकी है जिसमें कोई रहना नहीं चाहता। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि जो लोग पहले से बीजेपी में घुले मिले हुए थे वही लोग जा रहे हैं। पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो अभी भी कांग्रेस के साथ बना हुआ है और ऐसे जितने भी लोग हैं वो चले जाए तो और अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतर के पार्टी का झंडा उठाएंगे और ये झंडा दिल्ली में फहराने का काम करेंगे, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के दावों में कितना दम है या कांग्रेस की रणनीति जो है वो कितनी काम आती है, लेकिन बहरहाल कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई नेता जिनकी नाराजगी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के समय से चल रही थी वो अभी भी जाहिर हो रही है और वो बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहा है। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो रूठों को मनाने के साथ साथ घर वापसी का सिलसिला जारी है और अब बात होगी 11 सीटों पर नाम तय। जी हाँ, चेहरों से आप समझ गए होंगे कि बात कांग्रेस की हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। ये दावा दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कर रहे हैं। लगे हाथ प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भले ही हम विधानसभा चुनाव में हार गए लेकिन लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। ये दावा है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल का। उम्मीदवारों के नाम तय करने का दावा करते ही रजनी पाटिल ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर दिया। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें प्रदेश के तमाम आला नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन किया। उसके बाद बयान आया, नाम तय हो गए, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम जीतने जा रहे हैं, अच्छे वोटरों से हम आएंगे छत्तीसगढ़, हम हमारे तरफ लाएंगे लोकसभा में। सभी सीटें क्लियर हो गई मैम? सभी सीटें में जाएंगी। अब सीसी में जाएंगे। अब पैनल बनाया मैम कुछ सीटों पर? नहीं, अभी इतना जहाँ पे हमें थोड़ा लगता है कि पूछना है, निर्देश लेना है, उसके लिए पैनल बनाया। बाकी मैम क्या उम्मीद है 11 सीटों में कितनी सीटें आ रही हैं? अभी वो तो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आज पूछेंगे तो 11 से 11 हम जीतने वाले। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि सभी सीटों पर नाम तय हैं, लेकिन जहां दावेदार एक से अधिक होंगे उन सीटों पर दोबारा चर्चा जरूर होगी। लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी सर? मुझे नहीं लगता, फाइनल हो गई अब। हाँ, जहाँ एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसकी फीडबैक ले सकते हैं। तो सीसी का सर, वो तो सीसी तय करेंगे।
सीईसी के पहले सारा फीडबैक लेके सीईसी फाइनल। क्या उम्मीद है कब तक सर सीईसी फाइनल बना? अभी तो सीईसी के मेंबर हैं सर। क्या बड़े नेता पार्टी के चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य चेहरे जो हैं? लड़ सकते हैं। आप भी हैं उसमें सर? मैं पारिवारिक कारण है, व्यक्तिगत कुछ कारण है। बघेल साहब करेंगे? संभावना तो माननी चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से बाहर निकले प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने दावा किया, भले ही हम विधानसभा चुनाव हार गए लेकिन लोकसभा की सभी 11 सीटें जरूर जीतेंगे। खुले माहौल में चर्चा करी है और 11 की 11 सीटों के ऊपर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने किया है और चर्चा करी है और एक ही क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोकसभा का चुनाव जीतें। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1.5% का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में सरगर्मी नजर आ रही थी, लग रहा था कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव के लिए भी वो सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन कांग्रेस के मौजूदा दावे बता रहे हैं कि इस मामले में उसने बढ़त बना ली है। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ, इस लिहाज से कैंडिडेट घोषित करने के मामले में कम से कम कांटे की टक्कर जरूर है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अशरफ काजमी की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्लस्टर की अहम बैठक हुई। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई है। हर लोकसभा क्षेत्रों, विधानसभा जिलों और मंडलों में हमारी योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर तक करना है। 7 फरवरी से प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू होगा। 11 फरवरी तक सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रत्याशियों के नामों पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर योजना के अनुसार प्रत्याशियों का चयन होगा। लोकसभा सीट को जीतने वाले उम्मीदवार के हिसाब से चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्टी 11 में से 9 सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है, जिसे देखते हुए पहली बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे दावेदारों की संख्या 200 को पार कर गई है। पार्टी के सामने जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट के बंटवारे को लेकर भी मथापच्ची करनी पड़ रही है। तो देखिए 11 और हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन हमारे नीचे स्तर तक किया जाना है, लोकसभा के सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, हमारे मंडल पे और बूथ में। कल से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो पूरे देश में कल ही नड्डा जी ने इसकी शुभारंभ किया है, गांव चलो अभियान का। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी और मंडल इकाई तक के हमारे कार्य समिति के सदस्य और 7 तारीख से इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में होगा। 11 तारीख तक हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और प्रत्येक गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे, 24 घंटे उस गांव को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम नियत किए गए हैं उन सभी पर और उस योजना को क्रियान्वित करें। और अब सवाल की पेच कहां फंस रहा है, तो चलिए अब आपको बताते हैं जातिगत समीकरण में कि आखिर पेच फंस कहां रहा है। जातिगत समीकरण में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चेहरों को लेकर असमंजस है। 11 में से 9 सीटों पर नए चेहरों पर दांव क्या लगाया जाएगा और यहीं पे पेच फंस रहा है। छत्तीसगढ़ में 6 सामान्य, 1 SC और 4 ST सीट है। अब इन्हीं सीट के हिसाब से चेहरों को चुनना है। 11 सीटों के लिए 200 दावेदारों के आवेदन भी आ चुके हैं लेकिन नए चेहरों को मौका देने की बात सामने आ रही है। अजय जम्बाल, पवन साय ने दौरा भी किया इसका और लोगों के बारे में जाना भी। सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया गया है और वहां से फीडबैक भी लेने की कोशिश की गई है कि वहां के लोग कैसा नेता चाहते हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल तिवारी, बात करें अगर लोकसभा चुनाव की तो 11 सीटों पर नजर है, 11 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। विधायकों का संगठन के प्रति क्या दायित्व तो है और एक अच्छे विधायक बनने हमें क्या क्या काम करना चाहिए,
जो पार्टी के विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ में हमारे कैसे संबंध होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ में आज विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश मूणत जी को और सचेतक लता उसेंडी जी और सुशांत शुक्ला जी को घोषित किया गया है। विधायक दल की बैठक में माननीय विधायक गणों के जो सुझाव थे वो लिए गए। विधायकों को ये भी बताया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर में उनको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बजट चर्चा में कैसे भाग लेना है, प्रश्न कैसे लगाना है, ध्यानाकर्षण कैसे लगाना है, किन विषयों में सत्ता पार्टी के विधायक भाग ले सकते हैं, किन विषयों में नहीं ले सकते, इन सब चीज़ों की जानकारी विधायकों को दी गई है और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया है। और विधायक दल की बैठक में माननीय शिव प्रकाश जी के साथ साथ हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साई जी ने भी संबोधित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया। पूरी तैयारी है। तो बजट सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होती है और उस विधायक दल की बैठक में किन चीजों को लेकर बात हुई ये आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। बीजेपी 7 जनवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत पार्टी के आला नेता गांव गांव जाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे विश्राम करेंगे। पार्टी का ये प्लान ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के इस अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव में जो वादा किया उसे तो पूरा किया नहीं, किस मुंह से गांव जा रहे हैं नेता। सत्ता के संग्राम में छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग के जरिए बढ़त लेने की होड़ मची है। एक पार्टी वार कर रही है तो दूसरी पार्टी पलटवार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं बयानों में तलखी बढ़ती जा रही है। एक तरफ बीजेपी अपने वादे, अपनी योजनाओं और जमीनी स्तर पर काम की बदौलत मैदान मारने का दावा करती है। पार्टी 7 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करने वाली है। इसके तहत पार्टी के नेता गांव गांव जाकर 24 घंटे वहां वक्त बिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी और मंडल इकाई तक के हमारे कार्य समिति के सदस्य, और 7 तारीख से इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में होगा। 11 तारीख तक हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और प्रत्येक गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे, 24 घंटे उस गांव को देंगे। चलो गांव की ओर अभियान पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के भरोसे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि किस मुंह से गांव चलो अभियान चला रहे हैं, विधानसभा चुनाव में जो वादा किया उसे तो पूरा किया नहीं। गांव की जनता इनसे पूछेगी क्या हुआ तेरा वादा। कांच की हांडी बाद बाद नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गांव के लोगों को ठगने का काम किया है। अब किस मुंह से लेके फिर गांव चलो अभियान की बात कर रहे हैं। 3100 रुपए में धान की खरीदी किया इन्होंने, नहीं किया। धान की खरीदी पूरी होने वाली, अभी तक न एक मुश्त भुगतान हुआ न 3100 रुपए धान की कीमत दिया। जब ये गाँव चलो अभियान में इनके नेता कार्यकर्ता गाँव जाएंगे तो गाँव वाले इनसे पूछेंगे कान पकड़ के, भैया जो पहले वादा किया तो उसका क्या हुआ, कौन सा मूल्य के यहाँ आए हो। एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी उसके सवालों को दरकिनार कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने गारंटी दी थी जिससे पूरा करने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता को बीजेपी के वादे पर भरोसा है और इसी भरोसे के सहारे पार्टी सूबे की सभी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है। नहीं, कांग्रेस जब सरकार में रहती है खुद तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करती हैं। 5 साल उन्होंने अपनी किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया और जिसका प्रतिसाद जनता ने कांग्रेस को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की बातों में सच्चाई रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी यही कहा था कि मैतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पर मिलेगी। प्रावधान बनाने में जो समय लगता है उस समय के अतिरिक्त बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। दिल्ली की सत्ता के संग्राम में वाक युद्ध चरम पर पहुंचने को तैयार।
दावों और वादों की नूरा कुश्ती के बीच अब जनता को किसके दावे में दम नजर आता है, इसका खुलासा होने में अभी वक्त लगेगा। बहरहाल महासंग्राम 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप से कम कुछ नहीं मानने को तैयार। वहीं सूबे की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस को बीजेपी की वादा खिलाफी से आस है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से तनु वर्मा की रिपोर्ट। और महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज 18।